हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको जैसे मालूम होगा कि मिड मार्च टू मिड अप्रैल होता है हमारा एप्पल ट्री प्लांटेशन का टाइम। तो कुछ एक दिनों से मैं अपने बगीचे में वही कर रहा हूँ। तो जो मेरा बगीचा है वो है जंगल के साथ कनेक्टेड है, बाउंड्री जंगल के साथ लगती है। तो मुझे एक बहुत ही मतलब बोल सकते हो आप रेयरेस्ट ऑफ रेयर वेजिटेबल है, उसे हम गुच्ची बोलते हैं और पहाड़ी में बोलते हैं हम उसे चेऊ, और वाइल्ड मशरूम के नाम से भी उसे हम जाना जाता है। बगीचे में मुझे वो जो मशरूम होता है गुच्ची, वो मिला मुझे, कोई 3-4 मिले। कहीं बगीचा है मेरा तो उसमें एक ऐसा पार्ट है कि जो जहाँ पे सनलाइट थोड़ी कम पड़ती है, पानी वाला एरिया है, तो वहाँ कहीं जो साइडों साइडों में जो खेत होता है, खेत के साइड में कोई 3-4 गुच्ची मुझे मिली। तो फिर जो हमारे वर्कर्स है, स्किल्ड वर्कर्स है, जो कि एप्पल ऑर्चर्ड के काम में हमें हेल्प करते हैं, तो उन्होंने वो पर्टिकुलर स्पॉट कुछ 3-4 साल पहले से देखे हुए हैं कि एक्चुअली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि वो एक पर्टिकुलर स्पॉट पे ग्रो होते हैं। तो जो मेरे वर्कर्स हैं उन्होंने वो स्पॉट देखे हुए हैं कि जो मेरे ऑर्चर्ड के साथ जंगल है वहाँ कहाँ कहाँ वो ग्रो होते हैं। तो ऐसे ऐसे करके हम ढूंढ रहे थे, कुछ तीन कहीं बगीचे में 3-4 मिले तो थोड़ा जो मेरे ऑर्चर्ड के साथ जंगल है, फिर हम ऐसे ही चले गए वहाँ। तो वहाँ पे कुछ 15-20 ऐसे मिल गए 3-4 दिन से, कहीं एक मिल रहा था कहीं दो, मतलब एक पर्टिकुलर स्पॉट में ये ग्रो होते। तो आगे दिखाऊंगा मैं कि किस तरह से मुझे वो मिले, कितने मिले, आगे दिखाऊंगा कि मैं थोड़े कलेक्शन जैसे की उसकी थोड़े आगे दिखाता हूँ, इसलिए वीडियो आप लास्ट तक देखें। ये देख सकते हो आप, इसे हम पहाड़ी में बोलते हैं चेऊ, और वैसे गुच्ची नाम से जाना जाता है इसे। देख सकते हो आप, वाइल्ड मशरूम के नाम से भी जानते हैं इसे। तो अचानक से मुझे ये मिले, एक्चुअली जो मेरा एप्पल ऑर्चर्ड है वो है थोड़ा जंगल से कनेक्टेड है, थोड़ा बाउंड्री जंगल के साथ है। तो मैं 3-4 दिन से ऐसे ही कहीं कहीं एक मिलते हैं, कहीं दो मिल रहा था, ऐसे जब चल रहा था अचानक से मुझे ये मिल गया। देख सकते हो आप, अब उतनी नॉलेज मुझे नहीं है, शायद गुच्ची ही है ये। देखिए आप, ये देख सकते हो, ये देखिए, बड़ी रेयरेस्ट ऑफ रेयर वेजिटेबल की गिनती में आता है ये देखिए।